जर्नल जर्नल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर वन कॉमर्स सेक्टर ऑनलाइन लेट्स लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ जर्नल जर्नल फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 ऑन अप्रैल 1 मिस्टर खालिद इन्वेस्टेड रुपीज 2,35,000 इन बिजनेस ऑन अप्रैल 3 ही परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर दिस प्राइस On April 7, he purchased Suzuki van worth this by paying cash and balance on account. On April 13, he paid the balance amount of cash against van. On April 19, he withdrew cash for personal use. You are required to record the above transactions in standard form of journal journal. Journal journal banake usme hame ye transactions ki journal entries record karni hai. Ye hai journal journal. Ye sare columns isme banaye jayenge. डेट पर्टिकुलर्स पी आर विच मीन्स पोस्ट रेफरेंस डेबिट क्रेडिट पेज नंबर वन या कोई भी पेज नंबर हमें यहाँ मेंशन करना होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इस मिडल लाइन में हम एंट्रीज के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे और ये डेट के कॉलम में डेट और मंथ लिखा जाएगा किस तरह से ये रिकॉर्डिंग होगी लेट्स सी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट यू हैव टू लर्न We have to record an account in debit if it is an asset and it is increasing. Liability, capital, income, expense, इन सब के increase और decrease के rules हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे इन rules को apply करके हम transactions को record करते हैं journal journal में Rough work देखें और फिर उसके बाद हम journal journal में इस entry की positioning देखेंगे First transaction थी Mr. Khalid ने 2,35,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किए इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक तो कैश बिजनेस में आया दूसरा कैपिटल के तौर पे आया टाइटल ऑफ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है हमें टाइटल ऑफ अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये देखना है कि कैश बाय नेचर क्या है एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस इन पाँच मेन हेड्स में से ये किस में फॉल कर रहा है कैश हमारे लिए एसेट होता है क्योंकि कैश बिजनेस में आया तो कैश इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगर एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा कैश एसेट है इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में इसलिए इसे डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे फिर है हमारे पास सेकेंड अकाउंट कैपिटल कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं या इक्विटी कहते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इफ देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड देयरफॉर री रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड इसीलिए हमने जर्नल जर्नल में अपनी रिकॉर्डिंग डेट के कॉलम में अप्रैल 1 डेट लिखें कैश को डेबिट के कॉलम में लिखें और कैपिटल को थोड़ा सा दूर स्पेस इसको कहते हैं इंडेंटेशन जो क्रेडिट वाला अकाउंट होगा वो थोड़ी सी दूर लिखा जाएगा कैपिटल को क्रेडिट में लिखें जो ऑनर का नाम है वो कैपिटल के आगे मेंशन करें एक छोटी सी लाइन में डिस्क्रिप्शन दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि ट्रांजैक्शन में क्या हुआ इसको कहते हैं नरेशन हर जर्नल एंट्री के बाद हमें नरेशन में मेंशन करना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ तो पर्टिकुलरली इस ट्रांजैक्शन में ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में तो वील राइट इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर इन बिजनेस इस एक रिकॉर्डिंग को हम कहते हैं जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन वन की अप्रैल वन की एंट्री हमने जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड कर ली अब देखते हैं सेकेंड थर्ड एंट्री और एंट्रीज कैसे बनेंगी सेकेंड एंट्री ऑन अप्रैल 3 ही परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर रुपीज 42,000 कैश ऑफिस इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं कैश हम पे कर रहे हैं दो चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं इस जनरल ट्रांजेक्शन में एक है कैश एक है इक्विपमेंट टाइटल ऑफ अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिया अब हम देखेंगे ये दोनों अकाउंट्स बाय नेचर क्या हैं कैश हमारे लिए एसेट है करंट एसेट इक्विपमेंट भी हमारे लिए एसेट है नॉन करंट या फिक्स एसेट कैश बिजनेस से जा रहा है हम ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं कैश बिजनेस से कम हो रहा है तो क्योंकि कैश कम हो रहा है हम इसको डिक्रीज वाला रूल अप्लाई करेंगे एसेट डिक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट
क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट द अकाउंट, इसलिए कैश को हमें क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। इक्विपमेंट बिजनेस में एक एसेट के तौर पे बढ़ा है क्योंकि हमने एसेट खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास इंक्रीज हुआ। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर कोई एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, इसलिए इक्विपमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट में। नाउ वी कैन सी इट्स पोजिशन इन द जनरल जर्नल, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये मेन रिक्वायरमेंट है जो एग्जामिनर को चाहिए। जर्नल जर्नल रफ वर्क से हम समझ रहे हैं कि किस तरह से ये एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। ट्रांजेक्शन नंबर 3, ऑन अप्रैल 7 परचेज सुजुकी वैन वर्थ ₹140 बाय पेइंग कैश 60,000 एंड बैलेंस ऑन अकाउंट। बैलेंस ऑन अकाउंट का मतलब है 140 में से 60,000 तो हमने पे किए और बाकी अमाउंट का हमने प्रॉमिस कर लिया कि हम बाद में देंगे, और ऐसी अमाउंट को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं अकाउंट पेबल। ऑटोमोबाइल हमने खरीदी, एक अकाउंट ऑटोमोबाइल हो गया। कैश हमने पे किया, एक अकाउंट कैश हो गया, और जो अमाउंट हमने पे नहीं की उसको हम अकाउंट पेबल के नाम से अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई दीज थ्री अकाउंट्स। ऑटोमोबाइल हमारे लिए एसेट है, फिक्स एसेट। कैश भी हमारे लिए एसेट है, करंट एसेट। अकाउंट पेबल हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि ये ड्यूज है, हमने अभी पे नहीं किए, हम पर ऑब्लिगेशन है। ऑटोमोबाइल बिजनेस में आया, इंक्रीज हुआ, इसलिए ये जाएगा डेबिट में। कैश बिजनेस से कम हुआ, पेमेंट हो गई, डिक्रीज हुआ, तो ये अकॉर्डिंग टू जाएगा क्रेडिट में। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पहले कोई नहीं थी, अब हम पर ये ऑब्लिगेशन है, हम पर ड्यूज है, तो क्योंकि ये लाइबिलिटी बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट द अकाउंट। तो हमें लाइबिलिटी को इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट में लिखना है। तो इस अकाउंट एंट्री में हमारे पास तीन अकाउंट टाइटल्स हो गए, ऑटोमोबाइल डेबिट, कैश क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट्स हमारे पास कैसे निकलेंगी, ऑटोमोबाइल 1,40,000 से डेबिट, कैश 60 पे हुआ, 60 से क्रेडिट, और इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आएगी उससे हमारा अकाउंट पेबल क्रेडिट। इस एंट्री की रिकॉर्डिंग देखें जनरल जनरल में, लेट्स सी, ऑटोमोबाइल डेबिट, कैश क्रेडिट, बाकी अमाउंट से अकाउंट पेबल क्रेडिट। नरेशन या एक्सप्लेनेशन इस जनरल एंट्री की, परचेस्ड वैन फॉर कैश एंड फॉर क्रेडिट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ऑन अप्रैल 13 पेड बैलेंस अमाउंट अगेंस्ट वैन। इस वैन को खरीदा, जो अमाउंट पे कर दी थी वो थी 60,000, जो अमाउंट अभी भी रहती है उसकी पेमेंट हमने आज की। कितनी अमाउंट रहती थी, 140 माइनस 60, 80,000 रहते थे। उस 80,000 के जो अकाउंट पेबल थे उसकी पेमेंट हमने कर दी, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो ये हो गया जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट पेबल, और क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं तो दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे लिए है कैश। कैश है एसेट, बिजनेस से कैश पे हो रहा है इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल गो इन क्रेडिट। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, इसकी भी पेमेंट हो रही है, ड्यूज हमारे कम हो रहे हैं, ऑब्लिगेशन हमारे सर से उतर रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन, डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। सो दैट्स व्हाई वी कैन से अकाउंट पेबल लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग देखते हैं जनरल जनरल में, अकाउंट पेबल 80,000 से डेबिट, कैश 80,000 से क्रेडिट। यही अकाउंट पेबल हमने पे कर दिए तो वील राइट पेड बैलेंस अमाउंट अगेंस्ट फैन। लास्ट ट्रांजेक्शन, लेट्स लुक एट द लास्ट ट्रांजेक्शन, ऑन अप्रैल 19 खालिद विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000। जब भी ऑनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालेगा उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्रॉइंग। कैश बिजनेस से निकाला उसने, एक अकाउंट टाइटल हो गया कैश और दूसरा अकाउंट टाइटल हो गया ड्रॉइंग। ड्रॉइंग के लिए जो रूल है वो कैपिटल से बिल्कुल ऑपोजिट है, ड्रॉइंग कैपिटल को कम करता है, इसलिए ड्रॉइंग को हम कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट कहते हैं।
कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट का रूल क्या है? अगर कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज होगा तो डेबिट, कॉन्ट्रा कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसलिए ड्रॉइंग्स यानी जितना भी वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता जाएगा, कैपिटल को कम करता जाएगा, हम उतनी अमाउंट से उसकी ड्रॉइंग को डेबिट करेंगे। तो ड्रॉइंग कॉन्ट्रा कैपिटल है, ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए ये आएंगी डेबिट में। ऑफिस का कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये जाएगा क्रेडिट में। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट 5000 से। लेट्स लुक एट द जर्नल एंट्री, लास्ट जर्नल एंट्री, ड्रॉइंग डेबिट 5000 कैश क्रेडिट 5000। नरेशन विल बी ऑनर विद यू कैश फॉर पर्सनल यूज। सो दिस इज हाउ द जर्नल जर्नल विल बी प्रिपेयर्ड इन एग्जाम। एग्जामिनर वॉन्ट यू टू प्रिपेयर इट लाइक दिस विद द सेम फॉर्मेट विद द लाइन्स ड्रॉन इन इट। दिस रफ वर्क एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शंस एंड टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमर्स लेक्चर ऑन।